हाँ वो मेरा लल्ला मुंबई जाने वाला है और उसके बाऊजी कतई तैयार नहीं है ना उसको भेजने के लिए, तो और एक पैंतरा उसने डाला, उन्होंने डाला है कि उस पहाड़ वाली मंदिर से वो प्रसाद लेके आना और माँ के हाथ से तुझे खाना है करके। तो ये पहाड़ी पे चला गया और ऐसा है कि वो पहाड़ी का मंदिर इतना दूर है कि वो आते आते उसको इतना टाइम लगेगा है, तो इसलिए ये सुरेखा उसे ढूंढने, लल्ला को ढूंढने के लिए निकली है। और क्योंकि वो अगर टाइम पे नहीं आएगा तो गाड़ी छूट जाएगी ये है, और इसलिए वो ढूंढने निकली है। तो बीच में वो उसके ढूंढते वो मंदिर के रास्ते पे ढूंढ रही है रास्ते पे, और उसका टीटू तो दिखाई नहीं दे रहा है उसे, मगर उसका रुमाल मिलता है। रुमाल लेने के लिए जाती है तो ट्रक उड़ा देता है उसे, और ट्रक उड़ा देता है तो पता नहीं लल्ला को वहाँ पे जहाँ पे लल्ला होता है उसको कुछ ऐसे फीलिंग्स आती है, कुछ ये आता है, वो पीछे आ जाता है और माँ को देखता है। अभी यहाँ से वो हॉस्पिटल लेके जाएगा, फिर पता नहीं डॉक्टर बोलेंगे बचेगी नहीं बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी, ऐसा ये है। और माँ के हाँ, और माँ और बेटे का जो एक खींच तनाव होता है ना, वो अभी वो सारा प्ले है। जी मस्ती भी बहुत हुई यहाँ, मस्ती बहुत ही होगी। मैं रास्ते पे सोई थी, मुझे सच्ची में इधर अच्छा लग रहा था, ऊपर एकदम अच्छा लग रहा था। अभी अगर टाइम होता तो मैं वहीं सो जाती थी। इतनी देर कभी सड़क पे आप? नहीं नहीं कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, पहली बार। थैंक यू।